नमस्कार दोस्तों, चलिए मैं आपको इस मैथ को अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे बोला क्या है, ए बी सी डी एक ट्राइंगल है, ए बी सी डी एक ट्राइंगल है, बी डी क्या है, परपेंडिकुलर है उसके ऊपर, ए सी के ऊपर। तो पहले हम लोग तस्वीर बनाते हैं, तस्वीर से अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, नाम देते हैं ए बी और सी। बी डी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, ए सी ही है। तो बी और डी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। ई इज़ ए पॉइंट ऑन बी सी, तो लो ई पॉइंट बी सी साज दैट बी, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं। हाँ, ए पॉइंट ई है, बी ई ए, बी ई ए ये पॉइंट बना रहा है ना, तो इसका वैल्यू दिया है एक्स। इफ ई ए सी, ई ए सी इधर है, तो इसका वैल्यू भी दिया है कितना, इसका वैल्यू दिया 38। और एंड ई बी डी, ई बी डी यहाँ पे, तो इसका वैल्यू दिया है कितना, 40। तो हम लोगों से किसका वैल्यू पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। बी डी परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री हुआ, इतना आपको पता चल गया, ये 90 डिग्री। अब एक यहाँ से यहाँ तक देखिए सिर्फ, हाँ, एक त्रिभुज का मतलब ट्रायंगल का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, इसका 90, इसका 38, तो इसका कितना बचा बताइए, इसका बचा 52। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। देखिए ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है ना, वर्टिकली ऑपोजिट कोण हमेशा समान रहता है, ये भी 52, ये अगर 52, ये भी 52, वर्टिकली ऑपोजिट कोण समान रहता है, ये 52, ये 40। तो ये देखिए, अब इस ट्राइंगल को देखिए, तो ये भी एक ट्राइंगल है, तीनों कोणों का मान 180 होना चाहिए, ये 40 है, ये 52 है, तो इसका एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 180 से इन दोनों को 40 और 52 को माइनस करेंगे तो आएगा 88। तो एक्स का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला, 88, जो ऑप्शन ए में है। चलिए दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।